नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और इस समय हम हैं नरवाल के पास, जहां पर समय रहते 7 बजे दुकानें बंद करवाई जाती हैं। और ये कितना कमाते हैं कितना नहीं, वो आपके सामने है। और आप देख सकते हैं यहां पर जिस तरीके से 7 बजे का जो लॉकडाउन लगाया जाता है, उस लॉकडाउन में कौन भरेगा, कौन देगा, कौन सी सरकार है? ये गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? गरीब बंदे की तरफ जाए, सही बात, कहाँ जाएंगे गरीब बंदे? भूखे मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि इसको जहर दे के मार दो, गोली दो, मार दो। 20,000 का नुकसान क्यों हुआ सर? ये मुंह को पुलिस वाले नहीं लगा लेते तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं? इनके घर चले जाएं, गवर्नमेंट के घर चले जाएं, इनका नुकसान है। और ये सौदा बैंक है, इधर पीछे लाओ, इधर लाओ, ये देखो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय ये सारा मिट्टी से भरा, इससे चक्कर से भरा, ये सारा नुकसान, ये देखो। इसको कौन भरेगा, कौन भरेगा, कौन देगा, कौन पैसे देगा, इसके कहाँ से पैसे लाएंगे हम गरीब बंदे? इससे बेहतर कि गरीब बंदा जहाँ टकरे उसको गोली मार दो, खलासी मुक जाएगी, खत्म हो जाएगी गाड़ी। क्या करेगा गरीब बंदा, करेगा क्या? देखो कितना नुकसान हुआ। इस समय ये जो सब्जी वाला है, इसके कहने की बात है, लेकिन सरकार ने तो 7 बजे का टाइम लगाया है, 7 बजे बंद हो जाता है। बंद करने का टाइम देना चाहिए ना, ये थोड़े है कि तोड़ दिया, फेंक दिया, मार दिया, ये थोड़ा सा है। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। ना कोई सरकार करती है, ज्यादा सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है तो मारो गोली इसको, गरीब बंदे को मार दो, गोली मार दो गरीब बंदे को। जितने भी दुनिया में गरीब बंदे हैं ना, उनको गोली मार दो, ठीक है ना। एक सवाल करूंगा, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं टमाटर प्याज के, उस सब क्या लगता है आपको? सर ऐसी बात है, हमको क्यों पूछते हो? मंडी में जाओ, मंडी में जाओ ना सर, मंडी वालों को पूछो। 1200 रुपए का ग्रेड देते हैं ये अभी नीचे सारा फेंक दिया इन्होंने, हमने उठाया, ये देखो मिट्टी लगी इसको, ये सारा इन्होंने फेंका है, ठीक है। 1200 का 1300 का ग्रेड दे रहे, इसमें से 4 किलो दागी निकलता है और 4 किलो ज्यादा जाता है। हमने क्या कमाया, क्या कमाना है इसमें से? आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में सर हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस हम प्रशासन से यही बात करना चाहते हैं कि हम गरीब लोगों का कुछ सोचा जाए और हमारे हमारी सरकार के लिए कुछ बना जाए। हमारे जो गरीब लोग हैं, भाईचारा है, जो साथी बैठे हैं हमारे भाई, ये जो गरीब है, पुलिस वाले 7 बजे का लॉकडाउन टाइम दिया हमें, तो 7 बजे से पहले ही हमें पुलिस वाले धरना दे देते हैं कि अभी सुबह से लेके शाम के बैठे हैं। हम सुबह जाते हैं 5 बजे सामान लेने के लिए, तो आते हैं हम 7-8 बजे लगाएंगे, कोई ट्रैफिक वाला आ जाएगा, कोई म्यूनसिपलिटी वाला आ जाएगा, कोई लिफाफे का चलान करेगा। अगर तो मोदी सरकार का ये है कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है, तो हमें म्यूनसिपलिटी 5,000 रुपया चलान क्यों करती है? तो क्यों बेची है ये सरकार? हमें 400-400 रुपए का चलान क्यों होता है? हमें म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती, कहती है अभी हम सामान ले जाएंगे, कोई ऐसे लोकल ऑफिसर आएगा हमें बोलता है कैसे हैं तू, 2 दिन लगानी है रेडी के नहीं लगानी है इधर? हमें ऐसा क्यों एक्सक्यूजन होता है? क्या हम देश से नहीं है? क्या हम भारत के नहीं है? हमारा यही गुहार है कि हम यही चाहते हैं, हम सभी गरीबों के लिए कुछ बनना चाहिए। जैसे कि प्रशासन में हमें गवर्नर ने बोला था, एलजी साहब बोलते हैं कि हमारे रेडी फड़ियों वालों के लिए 10,000 रुपए आ गया, पैकेज आ गया। मोदी जी ये भी बोलते हैं, कहाँ किस गरीब को मिला? 50 भाई खड़े हमें, किस गरीब किस खाते में आया 10,000 रुपया? किसी को नहीं, वो तो बताएं मुझे, कौन कह रहे? किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया। 5,000, 1,000, 500, सिर्फ यही बोलती है मोदी सरकार, हमें वोट दो, हमें बात करें ना हमारे से आगे, हमारा नुकसान करते हैं, 5,000 रुपए का नुकसान कर दिया उन्होंने हमारा। इस समय आप ये जो विजुअल्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये नरवाल की विजुअल्स हैं। और यहाँ पर इनका कहना ये है कि हम अपनी दुकान बंद कर रहे थे, लेकिन दुकान बंद करने से पहले ही पुलिस यहां पर आई और पुलिस ने हमारे रेड़ी की जितनी भी सब्जी थी उन सबको गिराया। तो इस समय आप देख सकते हैं यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो दूर दूर तक कोई भी पालन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग कहां है? मास्क जो है लगा हुआ है, लेकिन उस मास्क की अगर हम बात करें तो वो ना के बराबर है। तो ये इस समय यहाँ पर नुकसान ही नुकसान की बात कर रहे हैं, गरीबों का कौन है कौन नहीं, ये सब चीजें, ये सब दृश्य जो आप इस समय देख रहे हैं, ये शाम का है। देर आपके सामने रूबरू हुए ताकि हम ये कह सकें, आपसे बात कर सकें कि जिस समय में रह कर अगर हम पहले ही आते और पूरे 7 बजे हम यहाँ पर पहुंचे, जिस प्रकार ये दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी,
ये सारी दुकानें जो है यहाँ पर इस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा रश रहता है। और अब इनका कहना ये है कि यहाँ पर हमारी दुकानों को गिराया जाता है, सब्जी जो है गिराई जाती है और हमें यहाँ पर कोई भी पूछताछ करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और सीधी बात कह रहे हैं कि अगर गरीबों का जीना इस देश में बहाल है तो हमें सीधे गोली मार दी जाए। ये जो विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स हैं नरवाल की। और इस नरवाल में यहाँ पर साइड पर रेड़ियाँ लगती हैं, फ्रूट्स की रेड़ियाँ लगती हैं। और जल्द ही हम हमारे दर्शकों से ये बातचीत करने ज़रूर आएंगे, पूछेंगे उनसे कि सरकार तो कहती थी अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कहाँ है वो अच्छे दिन, कब तक आएंगे वो अच्छे दिन, क्या अच्छे दिन ये हैं कि 80 रुपये टमाटर जो हैं वो अब किलो मिल रहे हैं, क्या 80 रुपये का जो टमाटर किलो मिल रहा है क्या यही अच्छे दिन आने वाले थे, क्या सरकार जो है ये आम इंसान। लेकिन एक एक चीज यहाँ पर जो बहुत ही गंदी लग रही है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 58,000 पार कर चुका है और यहाँ पर इस समय बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग नहीं है। बार बार हमारे संवाददाता और कई बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो यही बात करते हैं, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग। प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ठीक है 7 बजे दुकान जो है बंद होनी चाहिए, रेड़ी जो है यहाँ पर लगती है, उसके बाद रेड़ी लगाने के बाद का समय भी तो मिलना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर 7 बजे दुकानें बंद होती हैं तो 6:30 बजे जो है दुकानों को बंद किया जाएगा। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, फिर से ये घूमते बेजुबान जानवर और ये रात का अंधेरा, और इस रात के अंधेरे में इन गरीब लोगों की आवाज़। और कई लोग जो हैं इस समय ये कह रहे हैं कि गरीब जो है यहीं मर भी जाएंगे जाएगा और यहीं जिएगा भी। और एक शख्स बोल पड़ा, क्या ये भारत देश हमारा नहीं है, क्या भारत में रहने का अधिकार सिर्फ अमीरों को है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गरीब जो है हमारे देश की शान है, क्योंकि वो गरीब ही थे जिसने ताजमहल जैसा, शहंशाह के लिए ताजमहल जैसा बनाया। खैर गुर्बत की बात की जा रही है इस समय यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी रेड़ियाँ जो हैं बंद हो रही हैं। अब आपके साथ रूबरू होने का कारण और मकसद सिर्फ यही रहता है कि आप लोगों तक हम ये बात पहुँचाएँ कि 7 बजे जो है दुकानें बंद होंगी और अब ये कारवां जो है, ये कूचा जो है अपने घर लौट रहा है। क्या खाली हाथ लौट रहा है या फिर कुछ कमाया भी है इन्होंने, ये तो यही जाने। और ये जो है अब अपने घर को लौट रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस अंधेरे में ही इनका दर्द जो है शायद सुनाई दे सकता है। तो ये तस्वीरें इस समय नरवाल की हैं, जहां पर पुलिस आई और पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई में ये साफ साफ कहा कि जल्दी से जल्दी दुकानों को बंद किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है एक आम इंसान को भुगतना पड़ेगा। और इस नुकसान को रोकने के लिए, इस नुकसान को बचाने के लिए ज़रूर सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, सेफ्टी मेजर्स लें, और उसी के साथ, उसी के चलते आज यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस तो बड़ी दूर की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नज़र नहीं आ रही है और मास्क तो बिल्कुल भी नहीं पहना है। और फिर कोरोना के केसेस जो हैं वो तो बढ़ेंगे ही, फिर लगभग 98,000 जो है आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पहुंच चुका है। और अब ये लोग जो हैं अपने अपने घर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका दर्द जो है वो ये बयान करता है कि क्यों 7 बजे ही क्यों। हम तो ये कह रहे हैं गरीब ऐसे ही मरेंगे और ये मारने वाले ये पुलिस वाले हैं, हमको सीधी बात है, ये हमको कुछ कहते नहीं है, ये सिर्फ मारना शुरू कर देती है हमको।
तस्वीरें साफ साफ बयान कर रही हैं कि इनकी तकलीफ और इनका दुख जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय आखिर में हम आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ से ये रेडी जो है अब अपने घर जाएगी, और इस रेडी पर कह रहा है कि सुबह से कितनी बिक्री हुई है कितनी नहीं, ये आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूँ। और इस समय आप यहाँ से ये जाएंगे, उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोविड 19 का सिनेरियो जो है ये खत्म हो जाए, और इस कोविड 19 के चलते जो एक आम सी जिंदगी है, जो ये वाली जिंदगी जो है जहां पर ये मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, सुबह शाम सुबह 5 बजे उठकर पहले मंडी जाना होता है, उसके बाद 2-3 घंटे वहां पर लग जाते हैं, ये सारी तस्वीरें जो है ये बयान कर रही है। और आज नाराजगी जो जाहिर हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इनके पास मास्क नहीं है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? माल भरा हुआ है यहाँ, रेलवे इतना सुबह शाम तंग करते हैं पुलिस वाले ने। आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहन लीजिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हर एक शख्स जो है यही कह रहा है कि आप उस रेडी के पास जाइए, इस रेडी के पास जाइए, क्योंकि पुलिस वालों ने इनकी रेडी जो है गिरा दी है। और देख रहे हैं ये जो शख्स आगे चल रहा है, अब इस शख्स से सुबह से कितनी बिक्री हुई आपकी? सुबह से कितनी सब्जी बेची? सुबह से सब्जी कितनी बेची? वो सब्जी अभी गाक लगा है, अभी भी ये सौदा पड़ा हुआ है, तो आए पुलिस वाले वो ड्रम ड्रम कर दिया। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं वो अपने आप को बहुत ही फ्री महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड 19 का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, पेंडेमिक जो चल रहा है, उसको चलते उसको मद्देनजर रखते यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद यही है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके की ज़रूरत है और कैसी होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सब देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।